हाथरस में बाबा नारायण साकार हरि के सत्संग में अचानक भगदड़ मच गई और भगदड़ में 116 लोगों की मौत हो गई। मौत का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं और गंभीर हालत में उनका इलाज चल रहा है। मृतकों में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की है। सीएम ने मामले की जांच के भी आदेश दिए हैं। केस दर्ज करके जो जांच है वो शुरू भी हो गई है। और इधर सीएम योगी ने मंत्री संदीप सिंह और चौधरी लक्ष्मी नारायण को हाथरस भेजा है। सीएम योगी आज खुद भी हाथरस जा सकते हैं, घायलों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं। हादसे को लेकर सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की है। मीटिंग के बाद सीएम योगी ने कहा कि हाथरस की घटना हादसा है या फिर साजिश, इसकी जांच हो रही है। सरकार घटना की तह तक जाएगी, जो भी जिम्मेदार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो हाथरस हादसे में अब तक 116 लोगों की मौत की खबर। सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा, यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी है।